हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम जैसे ही वैसे तेरे पवित्र स्थान में आए हैं, हालेलुया। तू पवित्र है प्रभु जी, तू पवित्र है प्रभु जी, और प्रभु जी तेरा पवित्र लहू हमारे लिए तूने बहाया ताकि हम पवित्र हो जाए प्रभु, हालेलुया, ताकि प्रभु जी हम धार्मिक बन जाए प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। तेरे पवित्र स्थान में प्रभु जी हम आ सके, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तूने प्रभु जी ये करके दिखाया तेरे पवित्र लहू के द्वारा, अपना बलिदान के द्वारा प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज दिन तक तूने हमें संभाला है, आज दिन तक प्रभु जी तूने हमें बचाया, तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सारा आदर सारा महिमा प्रभु हम आपको ही देते हैं सुबह के समय में, हालेलुया। तू हमारा शरण स्थान है प्रभु जी, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा यीशु जैसा कोई है का, चरणों में सच्चदा वही तो है मेरा दुआ, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सच्चदा वही तो है मेरा दुआ। तूने बनाए धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा, तूने बनाई धरती आसमान सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा, चाहे इंसान जो तुझसे याद करे, चाहे इंसान जो तुझसे प्यार करे, चाहे इंसान जो तुझसे याद करे, चाहे इंसान जो तुझसे प्यार करे, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सच्चदा वही तो है मेरा दुश्मन, हालेलुया, 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 हालेलुया,
Thank you.
प्रभु तूने हमें माँ के गर्भ से चुन लिया। हालेलुया। प्रभु हम माँ के गर्भ से तब से तूने हमें चुन लिया, तब से तूने हमें नाम लेके बुलाया है प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं। शून्य से लेकर तूने हमें प्रभु रच लिया। हालेलुया। प्रेम दिया प्रभु तूने। हालेलुया। अनंत प्रेम दिया। मार्गदर्शन दे प्रभु, तेरा वचन हमारे प्रभु जी पैरों के लिए उजाला है प्रभु जी, दीप के समान है। हालेलुया। तेरे वचन के हम चले। हालेलुया। सारा आदर सारा महिमा प्रभु को आप दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की स्तुति करना हमारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। रोमियो 16 और 20 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव तले शत्रु शैतान को जल्दी कुछ चलवा देगा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आए मिलकर इस महान परमेश्वर की महिमा करें इस गीत को गाकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
से हरा हुआ,
दिल से यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान को कुचल दिया। दिल से यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान को कुचल दिया। शांति का परमेश्वर हमारे पांव तले शत्रु शैतान को पहले से यीशु ने शत्रु शैतान को क्रूस पर कुचल दिया है। आज वो हमारे पांव के तले है। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें यह अधिकार दिया है कि शत्रु शैतान का हम अपने पैरों के तले कुचल दें, प्रभु के अधीन होकर शत्रु शैतान का सामना करें। हालेलुया। आए मिलकर प्रभु की हम महिमा गाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना करें जो हमें जय देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार देकर हमें विजयी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, आनंद से उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रब। हालेलुया। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वह आने वाला है। यीशु जिंदा है वह आने वाला है। यीशु अब जिंदा परमेश्वर अब जल भी से आने वाले अपने लोगों के लिए वो अपने चुने हुए लोगों को ले जाने के लिए प्रभु तो आ रहा है। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ओ तूने हमें मुक्ति दी है प्रभु, तूने हमें शांति दी है प्रभु, तूने हमें चंगाई दी है प्रभु, तूने हमें छुटकारा दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तूने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया ओ मसीह यीशु के नाम में प्रभु हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। ओ सारा आदर प्रभु हम तुझे देते हैं, जो कुछ भी प्रभु हमारा है ओ प्रभु तेरी अनुग्रह से तेरी दया से है प्रभु जी, जो कुछ भी हम है प्रभु जी यह जीवन प्रभु तेरा है। हालेलुया उसी जीवन से प्रभु हम तेरी महिमा गाते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, सारे लोगों को हम आशीषित करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर ओ तेरे वचन के आशीषों से प्रभु हर एक लोगों को तू भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपके प्रभु जी अभिषेक दास को आशीषित करते हैं, कलिशिया को आशीषित करते हैं, तेरे चुने हुए लोगों को हम आशीषित करते हैं। हालेलुया ओ इसराइल प्रजा को आशीषित करते हैं, यरूशलेम को आशीषित करते हैं, हमारे राष्ट्र को हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। सारी आशीष है प्रभु हमारा राष्ट्र प्राप्त करें और तुझे महिमा दे। हालेलुया तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं भजन संहिता 125 उसका दूसरी आयत, और भी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 125 दूसरी आयत, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो कह रहे हैं कि परमेश्वर पर जो भरोसा रखेंगे उनके लिए परमेश्वर का आशीष है कि जैसा यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उस पहाड़ के समान, सिय्योन पर्वत के समान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उनके दारवियों के उनके बच्चों के लिए चारों ओर से घेर कर उनको संभालेगा। और भी काफ़ी सारे वचन हैं, परमेश्वर कैसे पुराना नियम के लोगों को घेर लिया, उनको संभाला। इवन 139 में बता रहे हैं तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। परमेश्वर उनको घेर रखा था। आज भी परमेश्वर के संतान जो भी प्रभु के बच्चे लोग हैं आपके लिए ये उपलब्ध है। परमेश्वर आपके अंदर अपने आत्मा को भेजा है और ज़रूर आपके आसपास की सारे वातावरण को भी परमेश्वर आपके अनुकूल में बनाने के लिए वो आपका चारों ओर जो भी परिस्थिति है उसमें प्रभु का सामर्थ्य को आप अनुभव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। भजन संहिता 32 में 10वीं आयत में कहते हैं दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है करुणा से घिरा रहेगा। करुणा का परमेश्वर की करुणा उसको घेरा रहेगा, घेरते हुए अनुभव करेंगे। आज हम लोग यीशु मसीह के द्वारा धर्मी जन है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमको परमेश्वर अपने अनुग्रह से घेर कर रखा है, उसका अनुग्रह है हमारे जीवन में कार्य करता है। भजन संहिता 5:12 में पढ़ते हैं कि क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा ये यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह एक ढाल के समान चारों ओर हमें सुरक्षित रखेगा।
धर्मी जन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि तू धर्मी जन को आशीष देगा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से गिरा रहेगा। परमेश्वर हमको कैसे गिर रखा है यहाँ देख रहे, उसके अनुग्रह से हमें गिरा, उसकी करुणा से गिरा रहेगा, करुणा से गिरा रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह चारों तरफ आपको संभालेगा। रोमियो 6:14 में पढ़ते थे, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह का एक मंडल में हमको परमेश्वर ने लेकर आया, उसके वातावरण में, उसके चारों ओर अनुग्रह का सीमा में, उसके अंदर रहने से, उस कमरा में हम प्रवेश हो चुके हैं। रोमियो 5:1-2 में पढ़ रहे, दूसरे आयत में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हम पहुँच गए, जिसमें हम बने हैं, पहुँच भी हुई है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर गमन करते हैं। उस अनुग्रह के कमरा में विश्वास के द्वारा हम प्रवेश हो चुके हैं। उसमें, उस अनुग्रह के कमरा में परमेश्वर का सुरक्षा है, पाप की प्रभुता नहीं है। वहाँ पर अनुग्रह का एक ढाल जैसे शत्रु के सारे तीरों को बुझाने वाले हैं, उस परमेश्वर हमारे लिए ढाल बनकर, हमारे लिए किला बनकर आएगा। नीति वचन 18:10 में पढ़ते हैं, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें प्रवेश होकर चुप चैन से रहेगा, बेचैन नहीं होगा, कभी भी चिंता में नहीं रहेगा, हमेशा सुरक्षित महसूस कराएगा। तो अनुग्रह के अधीन में रहना मतलब परमेश्वर के उस स्थान पर, उसके नाम के अंदर, उस इलाका में जहाँ पर परमेश्वर हमें रख रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर हमें गारंटी दे रहे हैं अपना उपस्थिति का, उस परम प्रधान की मुक्त स्थान पर हमें परमेश्वर रखता है। भजन संहिता 31 में पढ़ते हैं, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। मनुष्य लोगों की बुरी, मनुष्य के गोष्ठी उनके गैंग बनकर आते हैं, उनसे परमेश्वर हमें गुप्त स्थान में सुरक्षित रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, अगर आप इस अनुग्रह का मंडल में अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहेंगे, परमेश्वर के उस करुणा से घिरे रहेंगे, पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं होगी। और दूसरा है बुरे लोगों की गोष्ठी, जो गुप्त रीति से वो लोग जो जो कर रहे हैं, वो लोगों के नज़रों से परमेश्वर हमें बचाएंगे। अपने मंडप में झगड़े रगड़े जो फालतू में हमसे झगड़ने के लिए आने वाले लोगों से भी परमेश्वर हमें बचाता है। और 21 आयत में पढ़ रहे, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। ऐसे एकदम एक गुप्त स्थान है, गढ़ वाला नगर है, चारों तरफ हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए किला बनकर आएगा, उसका अनुग्रह हमारे लिए ढाल बनकर आएगा, करुणा से हमें घिरा रहेगा। जो भी प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रभु का नाम पुकारते हैं, उन सबके लिए वो शरण स्थान है। हमारे लिए परमेश्वर के इस शरण स्थान में आना चाहिए। और भजन संहिता में 34:7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमको कैसे घेरे रहते हैं, लिख रहे यहोवा की डरावियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हमारे चारों ओर कौन घिरे हुए हैं, लिख रहे हैं उनका परमेश्वर का स्वर्गीय दूत उनके डरावियों को चारों ओर घेर रखा है, और लिख रहे छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का सुरक्षा के लिए परमेश्वर आपके लिए वायदा कर रहे हैं, अपने स्वर्गीय दूतों को आदेश देगा कि तेरे पावों को ठोकर खाने से बचा ले, तुमको दुष्टों के हाथों से बचा ले, तुम्हारे राहों पर तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, तुम्हारा गाड़ी वाहन में, तुम्हारे आने में जाने में बचाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों का आदेश देगा। यही हम पर बोल रहे हैं, हमारे स्वर्गीय दूत हमारे लिए यीशु मसीह बताते थे मत्ती 18 में, छोटे से छोटे लोगों के लिए भी स्वर्गीय दूत हमेशा परमेश्वर का चेहरा को देखते रहते हैं, परमेश्वर का ऑर्डर लेने के लिए कहाँ जाना, क्या करना है। हमारे लिए परमेश्वर ऐसा जो
सुविधा दिया है। स्वर्गीय दूधा में घेर रख के स्वर्गीय सेना में घेरे हुए हैं, परमेश्वर की सेना में घेरे हुए हैं। ऐसे एक स्थान पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम घेरे हुए हैं, परमेश्वर की करुणा के उस मंडप के अंदर सुरक्षित हम महसूस करना चाहिए। कभी भी डगमगाना नहीं, कभी भी शैतानिक बातों को हम सोचना नहीं, उसके लिए डर के मारे छिपना नहीं। परमेश्वर हमें एक छिपने का स्थान, वही हमारे लिए उसका नाम है, दृढ़ गढ़ है। उसमें धर्मी जन प्रवेश होकर ज़रूर वो सुरक्षा तो सुरक्षा को महसूस करेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं एक स्वर्गीय दूत की सेना वहाँ पर छावनी किए हुए, मतलब कैंप डाल देंगे चारों ओर, वो लोग वहीं रहेंगे आपके चारों ओर। उनको परमेश्वर आज्ञा देता है। जकरिया की किताब 2:5 में पढ़ते हैं, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर हमारे लिए तेजोमय परमेश्वर है, महिमामय परमेश्वर, अपनी महिमा से घेर रखेगा, अग्निमय शहरपना है। देखिए सबसे जितना भी महत्वपूर्ण शहरपना होगा पत्थर से बनाए रहेगा, लोग उसको तोड़ देंगे। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं यरमिया का नबी का किताब में 15 में, मैं तुझे पित्तल का शहरपना बनाऊंगा। यहाँ तो उससे भी अधिक आग की शहरपना कह रहे हैं। कोई भी आने के लिए कोशिश करेगा जल जाएगा, पास में भी आ नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी दीवार के लिए तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अग्नि का आग की शहरपना को वो लोग कैसे पार हो के आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर घेरा रहेगा, हमको घेरे रहेगा, वो आग की शहरपना से परमेश्वर में घेरे रहेंगे। तो एलिशा के जीवन में हम देख रहे हैं, तब उसके नौकर सुबह बाहर जा रहा था, तो वहाँ उनके दुश्मन लोगों ने सुबह सुबह वहाँ पर, उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। देखिए समरिया के उस स्थान पर जहाँ एलिशा रहते थे वहाँ की बात है। देखिए सुबह सुबह बड़ा शत्रु की सेना घेर लिया है। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है, और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। देखिए सुबह सुबह ये लोगों के सामने सुबह सुबह उठा तो उसका एलिशा का एक सेवक है, वो कहता है हाय स्वामी हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे शत्रु की सेना में घिरे हुए हैं। तो एलिशा क्या कहता है देखिए 16 में उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी और है वह उनसे अधिक है जो उनकी और है। आज भी हमारे लिए ये वचन लागू है। दूसरी राजा का किताब 6:16 कहते उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी और है वह उनसे अधिक है जो उनकी और है। देखिए शत्रु की सेना में जो भी दुष्टात्मा की सेना है, स्वर्गीय दूत है, 3 में 1 है, लेकिन 3 में 2 आज भी परमेश्वर की सेवा में लगे हुए। वो लोग हमारे और है, वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत है और परमेश्वर भी हमारा साथ है। उसके अनुग्रह का छत्र छाया में हम रहते हैं, उस मंडप में, करुणा के मंडप में, उस दया के मंडप में, परम प्रधान की गुप्त स्थान पर, उस शरण स्थान में हम लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, 17 में पढ़ रहे हैं, यहोवा उसकी आँख खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आँखें खोल दी, और वह जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों रथों से भरा हुआ है। आज भी मेरे भाई बहन, एलिशा के परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आपका चारों ओर आपका जो पहाड़ है उसमें अग्निमय घोड़ों रथों से भरा हुआ है। वो लोग जो भी रथों को लेकर आया, वो लोग घोड़ों को लेकर आया, उस मांसरूपी है वो
मरने वाले नाश होने वाले, लेकिन परमेश्वर का जो सेना है अग्निमय घोड़ों अग्निमय रथों, उनको मालूम है ऐसे ही एक घोड़ों में रथों में सवार हो करके एलिया चले गए थे स्वर्ग राज्य में। तो वैसे ही सेना को एलिशा अपने आत्मिक आंखों से देख पाया और अपना सेवक को भी आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना किया, वो भी देख पाया। आज हमारा आत्मिक आंखों से हमें देखना चाहिए, हमारा पास ज़्यादा लोग है, हमारा पास एक आत्मिक सेना है, आगे की अग्निमय घोड़ों और रथों हमें घेरा हुआ है, परमेश्वर हमारे लिए भेज रहे हैं। जब ये बात हो रही है हम देखते हैं शत्रु लोग कुछ नहीं कर पाया, सीधा उनको आंखों को बंद कराए एलिशा ने प्रार्थना करके, राजा के सामने उनको खड़ा किया, फिर उनके आंखों को खुलवाया प्रार्थना से। और वहाँ लिख रहे हैं हम 23 आयत में पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो लोग दुश्मन लोग आया नहीं। लेकिन 24 आयत में हम फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से वो लोग आ गए हैं। आज मेरे भाई बहन यही आपको समझना चाहिए, शैतान कभी कभी थोड़ा दिन आपको छोड़ दिया जैसे लगेगा, आप केयरलेस नहीं होना, तुरंत अपना आपको इस मंडप के अंदर परमेश्वर का इस गुप्त स्थान में सुरक्षित स्थान में अपना आपको उस अनुग्रह के अंदर में घिर रखना, घिरे रहना, उसमें से बने रहना, क्योंकि हम देख रहे हैं वापस वो लोग आ गए हैं, दोबारा आ जाते हैं दुश्मन के लोग, जितना भी हार हार मानने से भी हार जाने से भी हार नहीं मानता है, शैतान वापस आने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अपना आपको हम परमेश्वर के अनुग्रह से घिरे हुए हमेशा हम महसूस करना चाहिए। उसके नाम हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की सेना है हमें घेरा हुआ है, परमेश्वर का नाम हमें घेरा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह घेरा हुआ है। जब परमेश्वर के अनुग्रह हमें घेर रखता है तो देखिए अच्छे लोग हमें घेरे हुए अब महसूस कर पाएंगे। आज आपके जीवन में कौन है आपके चारों ओर, आपके जीवन में आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, किन लोगों को आप अपना दोस्तार बना के रखे हैं, कैसे लोगों के साथ आपका रिश्ता है, कौन लोग आपके चारों ओर आपका जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार आपका जीवन बना रहेगा। कभी कभी लोग इस बातों को सोचते नहीं हैं। यहाँ पर दाऊद का अनुभव को देखिए, मुझको बंदी गृह से निकाल प्रार्थना कर रहे हैं, भजन सिंह 142 में, मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आपके ओर से छुटकारा दीजिए। बाद में कह रहे हैं धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। जब परमेश्वर हमारा साथ देंगे, परमेश्वर हमको सहायता करेंगे, जरूर मनुष्य की आंखों में भी दया मिलेगा। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, धर्मी लोग अच्छे लोग ईमानदारी लोग विश्वास योग्य लोग आपके जीवन में अनुमति करना चाहिए। वैसे ही लोगों को ही प्रभु अनुमति करेगा। आप प्रभु को पूछना है किसके साथ आपका दोस्ती है, किसके साथ आपको संबंध है, कौन सी कलीसिया है, कौन सा सेवक है, कौन से लोग हैं, जैसा आपका इच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों से घिरे हुए रहना चाहता हूँ, झगड़े रगड़े करने वाले लोगों से नहीं, हमेशा नेगेटिव बातों को बोलने वालों के बीच में नहीं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए हैरान हो जाएंगे। लूत का जीवन में हम देख रहे हैं, पत्रस अपना पत्र में लिख रहा है दुष्ट लोगों के बीच में रहते 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 अपना अंदर आत्मा में उदास हो गया मनुष्य। बाद में हम देख रहे हैं वो अपना परिवार को भी बचा नहीं पाया, केवल अपना आप को बचा पाया। आज आपका जीवन को कौन लोग घेरे हुए हैं, यहाँ लिख रहे हैं आप अगर मुझे निकाल कर मुझे छुड़ाएंगे, धर्मी जन मेरे चारों ओर आएंगे। आपके चारों ओर धर्मी जन अच्छे लोग प्रभु का भय मानने वाले लोग, ऐसे लोगों से संगति रखे, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15 में पढ़ रहे हैं आपके चारों ओर अच्छे लोगों से घेरे हुए रहने का, सही सलाह देंगे, सही अगुवाई करेंगे, सही निर्णय लेने के लिए आपको मदद करेंगे,
परमेश्वर को भाई मानने के लिए आपको सिखाएंगे, परमेश्वर का प्रेम का और भी अनुभव कर पाएंगे। सब पवित्र लोगों के साथ ही परमेश्वर का प्रेम का अनुभव हम अनुभव करते हैं। विषय तीन में हम लोग वचन पढ़े थे, ऐसे लोगों से घेरे हुए रहना चाहिए। फालतू फालतू लोग जो टाइम पास करने वाले लोग हैं, बेकार लोग आपका जीवन में घेरे हुए रहेंगे। इसका मतलब है आप परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ गिन रहे हो। परमेश्वर का अनुग्रह जिस आदमी का जीवन में मिलता है उसके लिए मनुष्य के दया भी पीछे पीछे आ जाता है। अय्यूब का जीवन में हम देख रहे हैं, जब उसका जीवन में बंधन में था, जिस दिन परमेश्वर ने उसको मुलाकात किया, उसको छुटकारा दिया, तुरंत देखते हैं उसके सारे रिश्तेदार अच्छे लोग आने लगा, उसके लिए अच्छा अच्छा दान भी देने लगे, और लोग उनके लिए गिफ्ट भी देते हुए और भी अमीर बना दिया उसको। पहले से उसका दोगुना मिल गया था, और भी परमेश्वर का दया के कारण, मनुष्य की दया भी, उनकी आंखों में भी दया मिल गया। जो लोग दोष लगा रहे थे वो लोग भी उसका दोस्त बन गए। वो लोगों के लिए भी अय्यूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको भी क्षमा किया, उनका जीवन में भी काम किया। आज अब हम परमेश्वर का दया को हम प्राप्त करने से मनुष्य के तरफ से भी हमें दया मिल जाता है। वो लोग हमें घेरे रहते हैं, चारों ओर वही लोग आएंगे, दुष्ट लोग नहीं हैं। दुष्ट लोग हमारा चारों ओर रहने से हमको घाटा होगा, नुकसान होगा। ऐसे लोगों के लिए आप जगह मत दीजिए। परमेश्वर आपको स्वर्गीय दूतों से घेरे हुए देखना चाहते हैं, अनुग्रह से, उनके अनुग्रह से घेरे हुए आपको देखना चाहते हैं, धर्मी जनों से कलीसिया में आपको देखना चाहते हैं। वही उनका गुप्त स्थान है, वही उनका गढ़ वाला नगर है, वहीं पर परमेश्वर आपको मुलाकात करेंगे। संगति बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग आपके लिए सारे सुविधा परमेश्वर बना के रखे, अलग अलग सुविधाएं बना के रखे हैं। उस जगह पर आपके लिए जरूर सुरक्षा मिलेगा, वचन वहाँ पर बताया जाएगा, उस वचन आपको दुष्टों के मार्ग से बचा के रखेगा, आपके लिए भाड़ा बनकर रहेगा परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 में कहते हैं, तेरे वचन को मैंने रख छोड़ा ताकि तेरे विरोध में मैं पाप न करूं। परमेश्वर के वचन से अपना जीवन को भाड़ा बांध सकते हैं। अगर हम सही संगति में रहते हैं, सही लोगों के साथ आपका रिश्ता रहेगा, सही बातों को बताएंगे, परमेश्वर का वचन को उसके अनुसार निर्णय लेने के लिए आपको उत्साहित करेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हुए रहना चाहिए। वही लोग आपके घेरे हुए रहना चाहिए, धर्मी जन घेरे हुए रहना, स्वर्गीय दूतों से घेरे हुए रहना, परमेश्वर के अनुग्रह से घेरे हुए रहना। दुष्ट लोग नहीं, फालतू फालतू लोग नहीं, दुश्मन लोग नहीं। दुश्मन लोग आके सुबह सुबह घेरने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन सुबह सुबह हम उसको हटा देना। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ज़रूर हम हटा पाएंगे। तेरे अनुग्रह से हज़ार मेरे विरोध में आया, 10,000 आ गए, लेकिन तेरे अनुग्रह से मैं ज़रूर जा ही पाऊँगा, तेरे अनुग्रह से। ये दाऊद का अनुभव, आज हमारा भी अनुभव ये है, परमेश्वर के अनुग्रह में घेरा हुआ थाम कर संभाल रहा है। उस अनुग्रह के आधीन में हम रहेंगे, ज़रूर हमारे लिए अच्छे लोग मिलेंगे। और लिख रहे हैं भजन संहिता 32:7 में, तो मेरे छिपने का स्थान है, तो संकट से मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर का रक्षा के बारे में बोल रहे हैं, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर का स्तुति का गीतों से, आनंद की गीतों से आपको घेर लेगा। दुख गीत नहीं है, शोक वाला गीत नहीं है, आनंद की गीतों से, छुटकारा के गीतों से। परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया, यीशु ने मुझे छुड़ा लिया पापों की जाल से, शैतान की चाल से, बंधन से मुझे छुड़ा लिया। अय्यूब को परमेश्वर ने छुड़ाया, छुटकारा के गीतों से उसको घेर लिया। जो जो खोया था सब वापस मिल गए, दोगुना सब मिल गए। भजन संहिता 40 में अनुभव बता रहे हैं, उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कींच में से उबारा, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया,
मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारा परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरा यह देखकर डरेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे। देखिए नया गीत, नया अनुभव को बता रहे, नया गीत मतलब लोग कभी कभी टोन और म्यूजिक का सोचते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार नया गीत है, एक नया अनुभव है। परमेश्वर हमें नया गीत देंगे, नया अनुभव देंगे, छुटकारा देंगे। जहाँ पर भी आपका प्राण को शैतान बांध के रखा है उसमें से छुटकारा पाकर आज़ादी के साथ आप नया गीत गाओगे, उसको देकर लोग परमेश्वर को बाया मानेंगे, परमेश्वर को भरोसा रखेंगे। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमें नए नए गीतों से हमें घेर लेगा। भजन विषयों की पत्री 5 में बता रहे हैं, 18 आयत से लेकर के, दाक्रस से मतवाला न बनो क्योंकि इसे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। गीतों से हमें अपने आप को पूरा घेर लेना चाहिए, ऐसे गीतों गाते रहेंगे, आनंद से रहेंगे। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, ऐसे गीतों के द्वारा हमारा मन आनंदित होता है, शैतान दुखों से हमें भरा नहीं पाएगा, आनंद से हम रहेंगे, ज़रूर हम सुरक्षित महसूस करेंगे। सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहेंगे, स्तुति गीत गाते रहेंगे, नया गीत गाएंगे, छुटकारा का गीत जो परमेश्वर हमारे मुँह में दिया है वही हमको घेर रखा है, वही गीतों से घेरे हुए रहे, अनुग्रह से घेरे हुए रहे, अच्छे लोगों से घेरे हुए रहे, स्वर्गीय दूतों से घेरे हुए, ऐसे जगह पर करुणामय परमेश्वर का अग्निमय शहरपना के अंदर हमें परमेश्वर आंखों की पुतली जैसे रखे। वहाँ लिख रहे हैं जकरिया का 2 में आगे बता रहे हैं परमेश्वर हमें आंखों की पुतली के समान संभाल के रखेगा, क्योंकि हमारे चारा और अग्नि कोट बांध कर और आने वाले कोई भी दुष्ट आत्मा की सेना, कोई भी शैतान की बातें हमारे ऊपर भी जने पाएंगे। ज़रूर हम परमेश्वर के अनुग्रह से घेरे हुए हैं, नए नए गीतों से शैतान को हराएंगे, गीतों के द्वारा स्तुति गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए यरीहो को गिराएंगे। जो भी विरोध की शहरपना गिर जाएगा परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। और हम देख रहे हैं इब्रानियों 12 अध्याय में 1-3 तक, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। देखिए गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, जो विजय पा चुके हैं, उस पार पहुंच चुके हैं, ऐसे लोगों की गवाही हमारे सामने एक बादल के समान है, हमें घेरे हुए हैं। उनकी गवाही हमारे लिए उत्साहित करने वाली बात है, भले वो लोग हमारे पास नहीं आ सकेंगे, हम उनसे बात करना भी मना है, वो लोग भी हमसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोगों की एक विजयवंत जीवन, वो लोगों की इतिहास, जो जो बातें हम बाइबल स्टडी में पढ़े थे 40 लोगों के बारे में, उसमें 39 लोग कैसे शूरवीर बना, आखिरी तक विश्वास को छोड़ा नहीं, ऐसे लोगों की गवाही हमें भी हिम्मत देता है। ऐसे गवाहियों से, काफ़ी सारे गवाहियों से परमेश्वर कलीसिया को साबित किया है, ऐसे गवाही आज भी हमें घेरे हुए हैं। स्तेफनुस की गवाही पौलुस के जीवन में प्रभाव डाला, उस गवाही को देखते हुए वो भी विश्वास किया, वो भी एक गवाही बन गए। कितने सारे गवाही आज हमारे सामने हैं, कितने सारे साक्षी हैं परमेश्वर की इस पुनर्थान के सामर्थ्य के लिए, इस पवित्र जीवन के सामर्थ्य के लिए, इस वास्तविकता के लिए, इस हकीकत रियलिटी के लिए, कितने सारे लोगों के जीवन हमारे सामने रखा हुआ है, हमें घेरे हुए हैं। तो कहते आओ हर रोकने वाले वस्तु को दूर करके, उलझाने वाले पापों को दूर करके, उस दौड़ में हमें दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है, विश्वास के कर्ता
सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते हुए और ये नहीं कह रहे उन गवाहियों को देखो, उनको देखो, उनको पूजा करो, ये नहीं बोल रहे। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखना, उसके ओर ताकना है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह को हम देख रहे हैं, उसकी कहानी, उसकी जीवन में हुआ बातें हैं, और जिस बातों से हम उत्साहित होना है, भले उनको दुख सहन करना पड़ा, लोगों की निंदा अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर याव न छोड़ दो। हमें याव निराश नहीं होना, याव नहीं छोड़ना। उन्होंने इतना वाद विवाद सह लिया, इतनी सारे बातों को सह करके विजयवंत हुआ है। शुमसी की गवाही हमें उत्साहित करने वाले हैं। कितने सारे प्रभु के दास लोगों की गवाही आज हमें उत्साहित कर रहा है। गवाहियों को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग दूत है हमें घेरे हुए हैं, परमेश्वर की गवाहियाँ घेरे हुए हैं। धर्मी जन कलीसिया में कितने सारे धर्मी जन, हम एक दूसरे के लिए सुरक्षा के स्थान रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे को समझाते रहेंगे, इस मार्ग पर हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे। परमेश्वर ऐसे हमारे लिए आग की दीवार बनकर रहेगा। वहाँ देख रहे इसराइल लोगों के लिए परमेश्वर कैसे दिन में बादल की खंभा बनकर रहा, रात में आग की खंभा बनकर उनको सुरक्षित रखा। लाल समुद्र में जो पार कर रहे थे, फिर उनकी सेना पीछा कर रहे थे, उनके लिए वो जो आग की खंभा इसराइली लोगों के लिए ज्योति दे रहा था, उन लोगों को अंधकार दे रहा था। दोनों को बीच में आग की जो खंभा है, उन लोग पार होके उनके पास आ नहीं पाया है। आज हमारे लिए परमेश्वर ने सब चीज़ों को सुविधा दिया है। आग की दीवार के अंदर में, उनके पंखों के नीचे, स्वर्ग दूतों की छावनी के अंदर में, अनुग्रह रूम के कमरा में परमेश्वर हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इस कमरे के अंदर से कभी हमें भागना नहीं है। कभी भी हम दुनिया के गीतों से, शोकमय गीत दुनिया वाला जो गाते रहते हैं, अपना दुखों की गीतों के गाते रहते हैं, अपना गलत चीज़ों की गाना गाते रहते हैं, हमारा मन से पवित्र छुटकारा का गीत आएगा, आनंद के गीत आएगा, परमेश्वर की स्तुति के गीत आएगा, जिसके द्वारा बंधन खुलेगा, सारे समस्या बदल जाएगा। हम बाइबल में देख रहे हैं प्रेरित के 16वें अध्याय में, जब पौल और सीलास को बंधन में डाल दिया जेल में, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने छुटकारा का गीत दिया। छुटकारा से पहले ही वो लोग गीत गाने लगा, स्तोत्र का गीत, धन्यवाद के गीत गाने लगा, सारे बंधन खुल गया है। परमेश्वर आज हमें ऐसे गीतों से हमें आशीष देना चाहते हैं, ऐसे गीतों को हम गाते रहें, ऐसे गीतों को हम बनाएं, ऐसे गीतों को हम गाना है, गाते रहना है, लोगों को गाने के लिए सिखाना है। ऐसे गीतों से परमेश्वर की महिमा होगी, हमें भी आज़ादी मिलेगा। परमेश्वर हमें ऐसे चीज़ों से घेरने वाले परमेश्वर, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर जैसे यरूशलेम को सियोन पर्वत चारों तरफ घेरा हुआ है, परमेश्वर अपने प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहे, सर्वदा तक रहेगा। केवल आज नहीं, परसों नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा के लिए कोई हमारे लिए अग्नि दीवार बनकर रहेगा, हमको घेरे हुए रहता है। स्वर्ग दूत हमें घेरे हुए हैं, अनुग्रह से हम घेरे हुए हैं, नए नए गीतों से घेरे हुए हैं। परमेश्वर का मंडप के अंदर, उस स्वर्ग दूतों की छावनी के अंदर हमको सुरक्षित महसूस करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की इस सारे वचन से हम उत्साहित हो जाएं। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है। आज कितने सारे लोग कलीसिया को तुच्छ गिनते हैं, सेवक लोगों को तुच्छ गिनते हैं, वो लोग फिर अनाथ जैसे पड़ा रहते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। शैतान उनके जीवन में जबरदस्त कार्य करने लगता है, बहुत पीड़ा को वो लोग सहन करना पड़ता है। लेकिन बोल रहे परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हमको परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखेंगे, वही अनुग्रह में घिरे रखेंगे। हम अपने बल पर, अपने धार्मिकता पर भरोसा रखेंगे,
ऐसा होशियार बना रहेगा, कभी भी शैतान तोड़कर अंदर प्रवेश कर लेगा। जितने भी लोगों को मैं देखा अपने बल पर भरोसा करने वाले लोग, उनका समस्या में वो लोगों की भरोसा टूट जाता है। वो ऐसा एक मजबूत शहरपना नहीं है, अपने बल पर, अपने पैसे पर, अपने नौकरी पर, अपनी सुंदरता पर जो भी हम भरोसा करेंगे, एकदम कमज़ोर शहरपना है। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे, उसके लिए परमेश्वर की करुणा एक पित्तल की शहरपना जैसे, आगे की शहरपना जैसे, उस पंखों के तले छुपने का स्थान है। धर्मी जन प्रवेश होकर सारे विपत्ति से बच जाता है। तो आज आइए मेरे भाई बहन बच्चों, इस बातों को विश्वास करो, प्रभु की ओर से मिलने वाले ये जो सुरक्षा है, यही आखिरी तक हमें बचा के रखेगा, उसका अनुग्रह में बचा के रखेगा। उनके स्वर्गीय दूत, हम नहीं प्रार्थना करना, हम नहीं आदेश दे सकते, लेकिन परमेश्वर आदेश देंगे, परमेश्वर स्वर्गीय दूतों से बातें करेंगे, हमको हर जगह पे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा देने के लिए वो लोग ज़रूर अपना छावनी डालेंगे, ज़रूर हमारे आसपास में घेरे हुए रहेंगे। इष्ट आत्मा की उपस्थिति को आप महसूस मत कीजिए, उसको इनवा स्वागत मत कीजिए, परमेश्वर की स्वर्गीय दूतों की उपस्थिति को हमेशा आपको महसूस करना है, जैसे एलिशा ने महसूस किया। एलिशा ने महसूस किया, उसके नौकर तो दुष्टों की सेना को महसूस कर रहा है, क्योंकि शारीरिक ओर से देख रहा है। आज अगर आप विश्वास की आंखों से नहीं देखेंगे, शारीरिक आंखों से देखेंगे, आपको तो समस्या से घिरे हुए दिखेगा, दुष्ट लोगों से घिरे हुए दिखेगा। लेकिन आप विश्वास की आंखों से इस बातों को देखो, मुझे स्वर्गीय सेना घिरे हुए हैं, मुझे धर्मी जन घिरे हुए हैं, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह घिरे हुए हैं, इतने सारे बादलों जैसी गवाहें, सक्सेस स्टोरीज, कुछ लोग फेलियर स्टोरीज को ही अपने आसपास में खड़ा कर देंगे, उसी को देखते हुए फिर पीछे हट जाते हैं। किसको आप देख रहे हो उसके समान आप बन जाते हो। आपके आसपास में कौन लोग हैं, आपके आसपास में क्या चीज़ है, किसके ऊपर आपकी नज़र लगता है, किसके ऊपर आप दर्शन करते हो, किसके ऊपर अपना मन केंद्रित होता है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं दाऊद, धर्मी जन मुझे घेर रखा है, वो लोग सही सलाह दे रहे हैं, सही बातों को बता रहे हैं, सही मार्ग पर जाने के लिए मददगार बनते हैं। इसलिए कलीसिया में इकट्ठा होना मत छोड़ो, वाले यूट्यूब में आप देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक लोकल कलीसिया बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर प्रभु के संत लोगों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करना है, उन लोगों से बात करना है, उनसे सलाह लेना है। आपके एक एक निर्णय वचन के अनुसार वो लोग ज़रूर मददगार बनेंगे, वो लोग आपको घेरे हुए रहेंगे। जो परमेश्वर के अनुग्रह आपको मिला हुआ है, मनुष्य के आंखों में भी ज़रूर दया मिल जाएगा, आपके लिए अद्भुत काम होगी। जो चीज़ असंभव है, परमेश्वर के लिए सब संभव है। जैसे यरूशलेम को सिय्योन पर्वत घिरा हुआ है, इसे परमेश्वर आज हमें घिरा हुआ है, ज़रूर सुरक्षित रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका इस मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं, आपके स्वर्गीय दूत हमें घेरे हुए हैं, प्रभु जी आपके धर्मी जन हमें घेरे हुए हैं, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह का ढाल हमें घेरे हुए हैं, आपका नाम दृढ़ गढ़ है वही हमें घेरे हुए हैं, आपका पंखों के नीचे प्रभु जी हम रहते हैं वही हमें घेरे हुए हैं, सुरक्षा में आप हमें रखे हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, बादलों के समान इतनी सारी गवाहियों में घेरे हुए हैं, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस घिरे हुए स्थान पर हम लोग हमेशा बने रहें, सर्वदा बने रहेंगे, हमारे लिए गढ़ बनकर हमेशा चारों ओर आप पहाड़ के समान हमारे चारों ओर सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मेरे लिए, मेरे भाई बहन बच्चे सभी के लिए सुरक्षा देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका नाम दृढ़ गढ़ है, उसमें जल्दी से भाग कर आए, उसमें छुपने का स्थान बनाएं, इधर उधर भागने वाला ना रहें, आपके अंदर अपने सुरक्षा को अनुभव करें। स्वर्गीय दूतों के आप आदेश देंगे, हमारा पैरों को फिसलना नहीं देंगे, हमारा चारा और वो लोग घेरे हुए हमें सुरक्षा देंगे, हमें छुड़ाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी बच्चे लोग दुष्टात्मा की बंधन से घेरे हुए लोग हैं, उनका आज हम आज़ाद करते हैं, यीशु के लहू से छुटकारा देते हैं, छुटकारा के गीतों से
इनको घेर लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नया नया गीतों को गाने के लिए, नया वातावरण बनाने के लिए हमारे को सहायता कीजिए। अरे हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन।